सो हेलो फ्रेंड्स, रवि मोटर गैरेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सीबीआर 150 बाइक के बारे में। तो इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हुआ, बैटरी चार्जिंग का जो इश्यू इसमें आया है और इसमें बैटरी भी नया लगाया हुआ है। तो बैटरी क्या कर रहे, 2 से 3 दिन बाद इसका बैटरी चार्ज बैठ जा रहा है और हेडलाइट देने से तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। ओके, तो इसमें चार्जिंग का इश्यू है। तो इसमें प्रॉब्लम, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसका रेगुलेटर ख़राब है या और कुछ। तो हमने मल्टीमीटर को 20 में सेट कर दिया और इसको जो गाड़ी में जो वोल्ट देता है रेगुलेटर से, वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बाइक को और ये देखिए इसमें जो वोल्ट आपको दिखा रहा है वो 12.57-12.58 के पास, और पिकअप देने के बाद भी पिकअप दे दिए। ओके, तो आप देख पा रहे हैं पिकअप देने के बाद भी ये जो रीडिंग ये नहीं बढ़ रहा है। बंद कर दो गाड़ी को, तो इसमें चार्ज नहीं दे रहा है, उल्टा से बैटरी के से जो चार्ज है वही गाड़ी खा रहा है, इसलिए बैटरी चार्ज बैठ जा रहा है। ओके, बैटरी डाउन हो जाता है। तो इसको चेक कैसे करेंगे आप, तो पहले हम रेगुलेटर को डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, जो मेन जो आर्मेचर से जो लाइन आता है वो वहाँ पे चेक करेंगे। मेन यहाँ पकड़ लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहले ये चेक करते हैं, जब इसमें लाइन आपको यहाँ पे लाइन देगी तब समझिएगा कि रेगुलेटर ख़राब है, जब यहाँ पे नहीं देगी तो आपका आर्मेचर कॉइल ख़राब है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे चेक करने के लिए तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो तार इसका वायर रहता है सीबीआर में, ये देखिए यहाँ पे एक तार देखिए, ये पिकअप कॉइल के आता है और ये बाकी जो 3 रेगुलेटर से आ रहा है। ये देखिए एक चार्जर के, एक गाड़ी चार्ज करने के लिए और एक हेडलाइट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा एक वायर हम लेंगे, मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, पर आपको इससे अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ पे एक तार इसमें दीजिए, ये तार छोड़ के, क्योंकि ये पिकअप कॉइल का तार है। ओके, और इसमें बॉडी में हल्का सा टच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टच करता हो तो लाइन नहीं आ रहा है, और दूसरे वाला पे तो भी लाइन नहीं आ रहा है। ये देखिए एकदम हल्का सा लाइन आ रहा है, आपको दिखा नहीं पाऊँगा, इतना सा लाइन इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें इससे 10 गुना ज़्यादा लाइन, एक जो चिंगारी ये आना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप लोगों को नहीं देख पा रहा होगा, तो आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, देखिए ये देखिए इतना सा चिंगारी इसमें नहीं आने से आपका चार्ज नहीं होगा। तीसरा वाला में देखिए इसमें हल्का सा आ रहे हैं, इसमें इतना आना चाहिए कि आपको दिख जाए। ये देखिए हल्का आ रहा है, हल्का इतना आप एक्सपेक्ट देख पा रहे नहीं आ रहा है। यहाँ से देखिए ये जो व्हाइट वाला तार है, ये जो व्हाइट इस वाला में तो नहीं आ रहा है। तो आप देख पा रहे तो प्रॉब्लम है इसका आर्मेचर में है। तो आर्मेचर चलिए इसको खोल के देखता हूँ, देख लेते हैं क्या हुआ है इसका प्रॉब्लम। तो इसका जो मोबिल ड्रेन कर लिया, उसके बाद ये जो वोल्ट वगैरह ये खोल लिया, तो इसको ज़ोर से खींचना होगा। Thank you.
फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो आर्मेचर है, तो ये रहा इसका आर्मेचर। और तो देखिए कुछ साइड इसका जल गया है और कुछ साइड नया है। ओके, तो जिस साइड नया है उसी से थोड़ा सा जो चिंगारी इसमें आ रही थी और यहाँ पे जो जल गई थी वो देखिए ज़्यादातर ही इसका जल गया। तो ये तो नया तो नहीं मिलेगा, तो हमारा एक लोकल एक बंदा एक मिस्त्री कॉइल बाइंडिंग करता है, उसी से इसका कॉइल जो वाइंडिंग करके ले आऊँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, तो फाइनल फ्रेंड्स मिस्त्री ने दो दिन बाद ये आर्मेचर कॉइल मेरे को बाइंडिंग करके दिया, तो ये मिल नहीं रहा था और इसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो फाइनल फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका जो बोल्ट 13 से ऊपर यानी कि 14 बोल्ट जो दे रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो ये थी इसका प्रॉब्लम जो आपके पूरा वीडियो में दिखाया। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।